वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफी लिपि के बारे में, जो कि 22 सितंबर पर रही है। तो देखा जा सकता है कि आज मार्केट के अंदर जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली एंड में, उस हिसाब से फॉरेनर्स की बाइंग आई है। तकरीबन कोई नेट बाइंग अगर बात करें तो 6.85 मिलियन डॉलर्स की वर्थ की जो है शेयर्स की बाइंग आई है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ज़्यादा बाई किया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने बाई किया है। इनकी मेजर सेक्टर वाइज अगर परफॉर्मेंस देखें तो अदर्स के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है, और उसके अलावा जो सेलिंग साइड है वो सीमेंट्स में, बैंक्स में और फर्टिलाइज़र, तीन सेक्टर्स के अंदर सेलिंग रही है। बाकी तमाम सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव रहे, फूड्स, ENP, OMC, पावर, टेक एंड टेक्सटाइल। अगर लोकल फ्रंट पे आते हैं, लोकल फ्रंट पे बात करें तो हमें सीधा पैनिक दिख रहा है कि इंडिविजुअल्स ने माल बहुत ज़्यादा बेचा है और कंपनीज़ ने माल बेचा है, जबकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने आज बाइंग की है, बैंक एंड DFIs ने बाइंग की है और NBFC ने जो है वो बाइंग की है और अदर्स के अंदर बाइंग आई है। और अगेन जो सबसे ज़्यादा सेलिंग है वो अदर सेक्टर के अंदर आई है, नेट सीमेंट्स के अंदर बाइंग रही है लोकल साइड के ऊपर, और उसके साथ साथ जो है म्यूचुअल फंड की भी आज बाइंग रही है सीमेंट्स में, बैंक्स के अंदर भी बाइंग रही है और बैंक्स में भी नेट बाइंग ही है ओवरऑल। बाकी जो अदर सेक्टर्स हैं, फूड, ENP, OMC, पावर, टेक एंड टेक्सटाइल, वहाँ पे लोकल साइड पे जो है वो सेलिंग साइड रही है। तो होपफुली कि मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, एक्सपेक्टेशन यही है मार्केट की, एंड लेट्स सी कि ये बाइंग जो है और ये पोजीशन जो है वो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो डालती है, तो वो हम कल की मार्केट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।